हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ कोई भी वीडियो या व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक बात थी जो शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि उस बात से मैं बहुत दुखी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए मैं कैसे कुछ करूँ, उनके लिए मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड, आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की। अभी हैदराबाद में रिसेंटली एक केस हुआ है जो हमारे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक शर्मनाक घटना है। हमारे देश के नाम पर धब्बा है ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो फ्रेंड्स, एक डॉक्टर जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी और जिसके माँ बाप ने उसके लिए कितने सपने देखे होंगे और उसके खुद के कितने सपने थे, कुछ लोगों ने सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो चकनाचूर कर दिए और उस लड़की के मन को कितना आहत किया होगा उन्होंने और उसको इतनी चोट पहुंचाई और उसको मार डाला। सोचिए फ्रेंड्स, और हमारी जो पुलिस है वो सिर्फ इसलिए लड़ती झगड़ती रही कि हमारे एरिया का केस नहीं है, हमारे एरिया का केस नहीं है। शायद जब उसके पेरेंट्स ने उसको ढूंढने की कोशिश की या पुलिस के पास गए, शायद तब कुछ हो सकता था, उसको बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी नहीं। पुलिस इधर से उधर सिर्फ ये कह के डालती रही कि हमारे एरिया का केस नहीं है। तो क्या अगर उनके खुद के बच्चे होते तब भी वो ऐसे ही करते? इधर उधर क्या वो अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते? तो फ्रेंड्स सोचिए, जो माँ बाप जिनकी बेटी रात को घर वापस नहीं आई, वो पूरी रात से इधर से उधर भटक रहे हैं, अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, और जब उनको अपनी बेटी उस हालत में मिली होगी, जली हुई हालत में मिली है उसकी लाश, तो उन पर क्या बीती होगी? और वो जिन्होंने मदद के बहाने उस लड़की के साथ ऐसा किया, तो आज के वक्त में अगर कोई सच्ची में भी मदद करेगा तो उस पर कौन यकीन करेगा? उन्होंने उस लड़की के विश्वास को, जो उसने उन पर ट्रस्ट किया, उसको तोड़ डाला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहा है, तो बेटी को बचा भी लेंगे, पढ़ा भी लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों से कहां से बचाएंगे? बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो बाहर तो निकलेगी, अब क्या बेटी को बाहर निकलने से बंद कर दे, घर में बंद करके रखें? क्योंकि जब तक लोग, और कुछ ऐसे लोग अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बेटी को आप बचा भी लो, बेटी को आप पढ़ा भी लो, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे बचाओगे? जब तक हमारे समाज में ऐसे लोग हैं तो बेटी कैसे बचेगी? तो फ्रेंड्स, उस माँ बाप की सोचिए जिन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को एक लॉकेट से पहचाना है, और जिनकी बेटी सुबह अपने ऑफिस के लिए गई है, शाम को जो घर लौटने वाली थी, और फिर वो ऐसी हालत में लौटी, और उसकी ऐसी हालत देख के उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी? और वो, हम जब उस घटना को हमारी आंखों के सामने, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसको देख के, उस सारी बातों को याद करके सुन के, और मैं बार 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 मेरा दिमाग उधर ही जा रहा है। तो उसके माँ बाप के बारे में सोचिए कि वो जिंदगी भर उस पल को नहीं भुला पाएंगे कि उनकी मासूम प्यारी सी इतनी सुंदर बच्ची और उनको ऐसी हालत में मिली और उसके साथ ऐसा किया। वो अपनी बच्ची के साथ बिताए उन पलों को कैसे भुलाएंगे, और उनकी बच्ची जिस हालत में मिली उस पल को वो कैसे भुलाएंगे? हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या ऑफिस कहीं जाते हैं, और अगर वो शाम को वापस ना आए तो हमें कैसा लगेगा? और अगर उनके बारे में हमें ऐसे देखने को मिले कि उनकी हालत ऐसी है, तो क्या महसूस होगा? आज उस लड़की के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, आप खुद सोच के देखिए। और गवर्नमेंट खुद से क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है? कुछ साल पहले निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, वो आज तक चल रहे हैं। क्यों? जिन्होंने ऐसा काम किया उनको जीने का हक है? जब आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो आप उसकी जान कैसे ले सकते हो? जिन्होंने दूसरे की जान ले ली, उनको कैसे जीने दिया जा रहा है? उनको क्यों जीने का हक है? और जिन्होंने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा किया, उनको नाबालिग बोला जा रहा है। नाबालिग कहाँ से हुए वो, जब वो ऐसा काम कर सकते हैं और उनकी ऐसी मानसिकता है कि वो किसी को मार सकते हैं, और उन्होंने ये सब एक प्लानिंग के तहत किया, तो क्या वो नाबालिग हुए? और नाबालिग हुए भी तो उन्होंने जब ऐसी हरकत की है, किसी की जान ली और उसके साथ इतना बुरा किया है, तो क्या उनको जीने का हक है? उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, और वो भी कड़ी सजा? तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट को, हमारे को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इसके लिए।
क्योंकि वरना ऐसे तो कोई भी नाबालिग है वो कोई भी किसी को भी मर्डर कर देगा, किसी के साथ ऐसा कर देगा और सिर्फ इसलिए बच जाएगा क्योंकि वो नाबालिग है, तो क्या ये ठीक है? तो शायद फ्रेंड्स प्रियंका रेड्डी ने भी यही सोचा होगा कि शरीफ बच्चे हैं, बच्चे जैसे हैं, मदद के लिए आए हैं, भाई जैसे हैं, और उसने उनको भाई जैसा लगाया होगा और उन्होंने एक बहन जैसी लड़की के साथ ऐसा किया, तो क्या उनकी बहन होगी वो अपनी बहनों के साथ भी ऐसा करेंगे जो उन्होंने किसी और की बहन की कदर नहीं की? क्या सपोर्ट दें और क्या बोलें? लेकिन कम से कम हम इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख के उसके लिए जस्टिस की मांग तो कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप सब भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि चाहे वो नाबालिग है चाहे वो बालिक है, कोई भी इंसान है, अगर वो ऐसी हरकत करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स मुझे लगता है ऐसे लोगों की मानसिकता, उनकी कितनी गिरी हुई मानसिकता है, वो मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसे लोगों को छोड़ना या बाहर अकेले में छोड़ना दूसरे लोगों के लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो क्योंकि उनकी मानसिकता आप देख लीजिए ना, उन्होंने साजिश के तहत सारा काम किया, स्कूटी की जो टायर है उसको पंचर किया, उसको किडनैप करके उसके साथ ऐसा काम किया और फिर उसको जिंदा जला डाला। आप इतने ज्यादा मतलब कैसे आप क्रूशियल हो सकते हो किसी के लिए, इतना क्रूशियल क्राइम कर सकते हो? तो मुझे नहीं लगता वो मानसिक रूप से ठीक है, वो मानसिक रूप से बीमार है, और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को खुला छोड़ना समाज में समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज उन्होंने किसी के साथ किया, अगर आज उनको छोड़ दिया गया तो किसी और के साथ भी ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी भी तरह की किसी भी तरह की रियायत मिलनी चाहिए, चाहे वो नाबालिग है चाहे जैसे भी है, उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो मैं सिर्फ आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज प्रियंका रेड्डी के लिए आप सब उनके जस्टिस के लिए सपोर्ट कीजिए कि उनके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।